वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नए एडवेंचर में। मैं नहीं अभी कर नहीं रहा हूँ, मैं करूँगा अभी। ये तो मैं शॉर्ट बनाने के लिए लेके आ रहा हूँ। ऐसा थोड़ा सा करना पड़ता है, आपको पता चले ना मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग है। अरे अभी हमें भुवनेश्वर में यहाँ से जाएंगे हम पूरी। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, क्या सुंदर जगह पे रुके हैं हम। देखो चारों तरफ ये, और बहुत खुला खुला सा है ना, ये देखो पूरा पार्क। और ये वाला जो सामने देख रहे हो ना, यही पूरी वाला रोड जा रहा है। आज हमें पूरी जाना है। पूरी कितना किलोमीटर है यहाँ से? 57 किलोमीटर हमको जाना है आज। पुरी में रुकेंगे, पुरी दिखाएंगे आपको। भुवनेश्वर में भी काफ़ी अच्छा लगा हमें, बाकी पूरी उड़ीसा में ज़्यादा जंगल जंगल सा दिखा हमें। भुवनेश्वर काफ़ी अच्छी सिटी लगी हमें, बड़ा मज़ा आया। पुरी जाएंगे आज शांति से, कोलगेट करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, हाईवे पे निकलेंगे। बाय बाय, चलो शुरू करते हैं। एनर्जी नहीं आ रही, चलो शुरू करते हैं। क्या हुआ? ये देखो भाई यहाँ पे सुंदर लग रहा है यार, यहाँ पे और पॉजिटिव सा लग रहा है। दूर तक कोई घर नहीं है यार। हाँ, यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे चटाई लेके ना ऊपर आ जाओ, मेडिटेशन ही तो यही पे हो जाएगा। और ये टंकियां देखो यहाँ पे, टंकियां और ब्रश का, ऐसे मिट्टी वाली टंकियां, वरना प्लास्टिक की टंकियां होती है, यहाँ पे मिट्टी वाली टंकियां है। अच्छा लग, ये कलर भी प्यारा लग रहा है। मुझे ऐसे पता नहीं क्यों सब चीजें बहुत अच्छी लगती है। ऐसा कोई देखो वहाँ पे वो घर के कोऑर्डिनेशन में वैसा बनाया है, ये घर के कोऑर्डिनेशन में ऐसा बना। और ऐसे ब्रश व्रश करने में ऊपर बहुत ईजी लगता है ना, ब्रश टेरेस कपड़ा धोना सब आप ऊपर कर सकते हो। टेरेस कपड़ा धोना, हाँ वो बहुत कंफर्टेबल है। और कुछ भी टेरेस होना बहुत ही, मैट्रेस वगैरह धोना है, बड़े बड़े होते हैं ना, सुखाने के लिए ऊपर लाना पड़ता है, उससे अच्छा यहीं धो के यहीं सुखा दो। हाँ, ऊपर टेरेस होना, मैं तो बोलता हूँ वॉशिंग मशीन भी ऊपर ही रख लो। टेरेस होना बहुत एक वो है, मुंबई वालों के पास तो टेरेस भी नहीं होता। हाईवे देखो कितना, मुंबई वालों के पास तो टेरेस भी नहीं होता। मुंबई वालों के पास सब होता है, इनफैक्ट मुंबई वालों के पास दिमाग बहुत होता है। और दिल्ली वालों के पास, दिल्ली वालों के पास भी दिल बहुत होता है। ये कुछ और बोलती है कैमरे के पीछे। ये देखो यहाँ पे हाईवे है, इतना नजदीक, यहाँ से डायरेक्ट पूरी 57 किलोमीटर से हमें बस 57 हाँ बस बाहर निकलते ही हाईवे पे चढ़ जाएंगे। आज पूरी जाएंगे हम, मजा करेंगे। ओडिशा हमने इतने तरीके से एक्सप्लोर किया है ना, हम एकदम लोकल लगे जगह पर भी रुके हैं। और खाना बड़ा, खाना बढ़िया था, बोरा 5 रुपए का, बोरा। ये देखो भाई, ये हमने पूरी बिल्कुल पास में ही है, तो हमने अपना बैग वैग रेडी कर लिया। ये क्या है? ये नेप्थलीन बॉल्स है, ये आपके बैग को ना मॉइस्चर से बचाएगा और बैग में खुशबू रखेगा। ये कितने रुपए का पैकेट आता है? ये आता है 20-30 रुपए का आ जाता है, इतना सारा। वो जो फिनाइल विनाइल बेचते हैं उनके पास होता है? उनके पास मिल जाता है, लोकल मार्केट में कहीं पे भी। ये तो टॉयलेट में भी डालते हैं ना, वो अलग होता है, उसमें फ्लेवर होता है टॉयलेट का। इसमें से खुशबू आ रही है? हाँ, इसमें खुशबू आती है, कपूर की खुशबू आती है, इसमें फ्लेवर्स भी आते हैं, बट मुझे नॉर्मल बैग में डालने में इसलिए अच्छा है, कोई भी वो नहीं होगा इसमें। लेमन टी पी रही हूँ। चलो जी, ये पी रही है, मेरे को ये अच्छा मिल गया भाई, मैं ये यूज करूंगा, अपने बैग के अंदर डाल दूंगा। और मैं ये सजेस्ट करूंगा, ये कितने रुपए का पैकेट आता होगा? ये वही 20-30 रुपए का आ जाएगा। 20 रुपए में 20 गोली? हाँ, 20 रुपए। एक गोली बैग में डाल दूंगा तो कितने दिन तक चलेगी? लगभग महीना चलता है ये। महीना चलेगा? मॉइस्चर कबर्ड में भी रखते हैं, कबर्ड में रखते हैं, खुशबू आती है, वो महीना भर टिक जाता है। ये अपने बैग में तो हो जाएगा महीना, एटलीस्ट 20-30 दिन तो वो चल जाएगा। आप बड़े बैग में भी अपने डाल लेना ये लोग। चलो ये अच्छा है, बड़े ये अभी लेता हूँ मैं, इसको शूट करना है मेरे को। बता दूं, देखो मेरे की खिड़की से कैसा नजारा दिखाई दे रहा है, यहाँ से देखो खिड़की से क्या सुंदर नजारा दिखाई दे रहा है। और ये काफी चीज सही है यार, मतलब स्मेल आती है कई बार बैग से, या ऐसा बहुत दिन तक धोते नहीं है तो इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आती है। वैसे वैसे हम तो छोटी छोटी कीड़ियाँ आ जाती है गीले कपड़ों में, या फिर कुछ भी रहते हैं ना, तो छोटी छोटी कीड़ियाँ या फिर कुछ भी इंसेक्ट्स या कुछ भी आने के चांसेस है, तो ये सब चीजों को हटा देता है ये, और मेन तो मॉइस्चर लॉक कर देता है। तो ये अच्छा है एक ऑप्शन, आप बैग में कैरी कर सकते हो। और लोकल मार्केट से लेना, महंगा मत लेना, यही आप 500 का भी ले सकते हो, बट 20 रुपए का मिल जाएगा। ये देखो 20 रुपए का 20 गोली, यानी एक गोली एक महीने चलती है, तो 20 रुपए में 20 महीना हो गया आपका। 20 रुपए में 20 महीना, एक बैग के अंदर एक डलेगी और खत्म नहीं होगी। ये बढ़िया चीज है यार, रील वालों ने पहले ही देख लिया होगा, यूट्यूब वाले आप देख लो, इसीलिए बोलता हूँ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। बाय बाय। पिला दी और चाय भी आ गई। चाय आ गई भाई, सुबह सुबह काफी शूटिंग वगैरह चल रही थी। थैंक यू सो मच मलिक जी। चला तो कहीं नहीं, नहीं सच्ची में यार, इस इंसान ने मुझे काफी चीजें सिखाई है। सॉरी, इंसान नहीं बोलोगे,
जानवर हो क्या इंसान नहीं तो काफी चीजें सिखाई। देखो कल इनकी वजह से मेरा ये नया बोर्ड बना, इन्होंने ये डिजाइन किया। आपने खुद ने कहीं से सीखा है, कोर्स किया है क्या? नहीं, मैंने खुद डेवलप किया। मैंने ना पहले सबसे पहले मार्कर से एक गत्ते पे लिखा था, तो वो विजिबल नहीं होता था, तो ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा विजिबल होता है इसमें। फिर हमने रेड भी जोड़ा, रेड से ना यूट्यूब का फील देता है, यूट्यूब देख के ना हर कोई रोकता है। तो ये धीरे 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 कॉन्सेप्ट होके ये परफेक्ट बना, और ऐसा 5 लाख लोगों ने बना के वो घर से निकल गए हैं। वो क्या बात है, मजा आता है। और ये भाई ने हमको आज होस्ट किया है भाई, हमारे शूटिंग देख, वो गिफ्ट दो ना, वो इनको गिफ्ट दो ना। देखो ये आपको कौन सा पसंद है, वो ये देखो, ये इनको गिफ्ट दे रहे हैं, बोले जो भी चाहिए ले लो। ये ज्वेल आर्टिफिशियल ज्वेलरी ये दे रहे हैं ये इनको। हम भी इनको एक ना परफ्यूम देंगे, देखो हम भी इनको ये वाला परफ्यूम देंगे इनको, फ्रेग्रेंस एंड फैशन का। हम जहाँ पे रुके थे ना, यहाँ पे कैंपिंग टेंट लगाया था इनके फैक्ट्री के बाहर। नहीं नहीं, एक और बार बताओ क्या है ये इनका ड्रीम बुक है। ये देखो ये दिखाओ, क्रिएट इंस्पायर डिस्कवर एक्सेल रीजन क्रिएटिव आइडियाज। इनके लिए इन्होंने पूरा ये बुक तैयार किया है, द बुक ऑफ ड्रीम्स। ये क्या है, फीलिंग इमोशन जॉय हैप्पीनेस, और ये भी कुछ लिखा हुआ है, ये इनका बुक है। तो इस तरह से लोग हमें अपने ये पर्सनल इमोशंस दिखाते हैं, और ये सिर्फ एज अ ट्रैवलर ही मिल सकता है हमको, तो बहुत मिलता है। ऐसे होता है कि थैंक यू गॉड, मम्मी के लिए सोचा है, पापा के लिए सोचा है, जैसे वो लाइफ में ये मम्मी और फोटोज कट करके, ये दोनों मेरी जान है पूरा। वो नहीं, वो बहुत सपोर्ट करते हैं, सर किसी के जान होते हैं। ये देखो ये सारे इमोशंस मिलते हैं, ये हमारे देखो बैग पड़े हुए हैं, यहाँ से अभी निकलेंगे हम पूरी के लिए। पर मन नहीं कर रहा ऐसे जाने का ना, पॉजिटिव मिलता है तो, वरना एक ही जगह पे मैं इतना रिकॉर्ड करता नहीं हूँ। मैं रोड पे जाता हूँ, फिर आगे जाता हूँ, आगे जाता हूँ। ये रिकॉर्डिंग का एक टेक्निक होता है। पर ठीक है ठीक है ठीक है, अभी बस निकल रहे हैं नहा धो के। दया नदी उसको बोलते हैं। ये देखो भाई उड़ीसा के बारे में हमें बता रहे हैं यहाँ पे, अभी भुवनेश्वर से हमें बाय बाय बोल रहे हैं। यहाँ पे देखो दही बड़ा, ये अच्छा लगता है मेरे को। अच्छा खाएंगे, हाँ ये खाएंगे, दिखाना है थोड़ा एंट्री। ये देखो ये यहाँ पे दही बड़ा होता है, ज्यादातर पूरे उड़ीसा में यही खाते हैं। ये देखो क्या सुंदर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर सब्जी भी है। ये देखो सब्जी खोल के दिखा रहे, थोड़ा चलाओ इसको चमचा से चलाओ। और मटर घुगनी, मटर घुगनी 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 घुगनी, कोलकाता में घुगनी बोलते हैं उसे। और इडली, ओ इडली भी है, इडली इडली मक्का 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 भी है, सब चटनी चटनी। और ये पानी है, पानी किस चीज का है? ये दही का पानी, ये नया देखा मैंने, ये छाछ जैसा लगता है, ये पूरा नेचुरल कितना अच्छा बना रखा है। ये दही बड़ा देखो भाई, अपनी प्लेट रेडी है दही बड़े की, और हाईवे के ऊपर ही हैं हम, तो आराम से बस खा के निकल जाएंगे। यहाँ का बहुत ही स्टेपल फूड है, जैसे मुंबई में वड़ा पाव होता है ना, हर जगह पे आपको ये मिलेगा वड़ा, दही वड़ा बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे, बहुत और स्टाइलिश बनाया है। देखो फुल लोडेड लग रहा है, प्याज सेब मक्का और घुगनी आलू की सब्जी, ये सब डाला है इसके अंदर, और वो तो खुद अपने आप में होता ही है। और हाईवे पे इस तरफ जाना है हमें पूरी के लिए, भाई ने हमको हाईवे पे छोड़ दिया, यहाँ से पूरी जा रहे हैं। थैंक यू भाई, कल मिलते हैं दोबारा से। बिल्कुल बिल्कुल, ये अपना फोन फोन बिल्कुल, चलो अभी यहाँ से चलते हैं 50 किलोमीटर। फिर मैं आपको हाँ नंबर भेज देना मुझे, बिल्कुल हाँ ओके, बाय 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 बाय, थैंक यू। ये बैग की वजह से भी फ्रेश है, अंदर से भी सही है, और अच्छे लोग, अंदर से रीअरेंज हो गया ना बैग, एक महीने में एक बार कभी ऐसा चांस मिलता है। और हमें लाइफ में क्या जरूरत है, इतना पॉजिटिव फील कर रहे हैं, और क्या चाहिए, पेट भरा हुआ है, वस्त्र है हमारे पास, और क्या चाहिए, खुश है हम, और क्या चाहिए, मजा आ रहा है। थैंक यू, आप कहाँ जा रहे हैं? पूरी 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 पहले पहली लिफ्ट पूरी की मिल गई डायरेक्ट, वैसे भी सीधा रोड ही है। और देखो आज मैंने नए बोर्ड के साथ शुरुआत करी थी, ये नए बोर्ड के साथ शुरुआत करी थी, हम लोगों का ये पीछे डाल दो ना सरस्वती, पीछे डाल दो ना, ये लो, चलो भाई पूरी की पहली लिफ्ट।
ये गाड़ी भी लाल है और देखो मेरा ये बोर्ड भी लाल था आज। ये हमने नए बोर्ड की शुरुआत करी है। ओके ये देखो ये नया बोर्ड हमने कल ही प्रिंट करवाया। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच भाई। पूरी धाम लिखा है उसमें। चलो भाई पूरी पूरी में हमारी एंट्री हो गई है भाई। हाँ, पूरी में पहुंच गए। पूरी अभी कहाँ उतरना चाहिए। आप एक काम करो पहले वो गोल्ड फ्लैग बीच कुछ है। बीच, हाँ पहले बीच चलते हैं भाई। वो वहाँ पे एक बार भाई वहाँ पे घूम लो। हाँ। उसके बाद फिर वो मरीन ड्राइव रास्ते पे मरीन ड्राइव। हाँ वो रास्ते पे भी आप घूम लो। हाँ। फिर 2:30 बजे तक आप चले जाना मंदिर। चलो भाई पहले बीच भाई सजेस्ट कर रहे हैं कि पहले बीच पे अभी ये छोड़ देंगे हमें गोल्डन फ्लैग बीच। yes, yes. छोड़ देंगे और मरीन ड्राइव है और तो फिर बाद में थोड़ा सा बाद में लंच के आसपास बाद में हम मंदिर जाएंगे और पूरा वही है मतलब काफी कोकोनट वाला भी आ गया और बीच वाला पूरा फील शुरू हो गया। लगता है बीच के पास पहुंच गया। और इतने जल्दी जल्दी में सब हो रहा है ना स्मूथली एकदम। हमारे सुबह निकलने से लेके अभी तक इतना स्मूथ जा रहा है दिन यार। सच में बता रही हूँ घर से निकल जाओ यार बहुत अच्छा लगेगा। क्या बता रही है दोबारा बताओ। मैंने कहा घर से निकल जाओ बहुत अच्छा लगेगा। मेरी मम्मी का फोन आ रहा है। भाई निकल जाओ भाई पूरी गुजरात से पूरी पहुंच गया हूँ। गुजरात से पूरी पहुंच गए भाई। गुजरात से लिफ्ट ले लेके पूरी। वो एक छोर है वहाँ पे द्वारका। हाँ बिल्कुल अभी आ रहे हैं द्वारका। अभी मैं अब मिलता हूँ मिलता हूँ। ये देखो भाई गुजरात से शुरू किया था पूरी पहुंच गए। ये देखो समुंदर यहाँ पे इंडिया इस तरफ ख़त्म हो जाता है। पूरा आखिरी छोर था पूरा मध्य भारत पूरा सेंट्रल इंडिया किया हमने हिचहाइकिंग से लिफ्ट ले लेके पहुंच गए पूरी में। बहुत मजा आ रहा है। ये देखो समुंदर तल पे ही नलका लगा हो तो कितनी ऊंचाई में कितनी गहराई में पानी निकल के आ जाएगा। ये सारे चालू हैं यहाँ पे। मुझे कमेंट करके बताओ कितनी गहराई में पानी आ जाना चाहिए क्योंकि देखो सामने समुंदर दिखाई दे रहा है बीच पे ही और ये नलका भी लगा हुआ है। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि पानी का लेवल कितना पानी इसमें। हाँ आता है ना। मैं बोल रहा हूँ कि पानी का कितना। देखो किसी ने साबुन भी रख रखा है। साबुन भी है नहाने का पूरा हुआ है एकदम। समुंदर में नहा के आते फिर यहाँ पे नहाते हैं। स्नान कर लो चले जाओ मंदिर। हाँ ये देखो भाई बीच पे ये सन ग्लासेस भी मिल जाते हैं बहुत जरूरी होते हैं ये तो। 100 रुपये में आपको ये पूरा सारे फ्रेम 100 रुपये में स्टाइलिश मिल जाएंगे। तो क्वालिटी तो उतनी वो नहीं लग रही पर ठीक है जब बीच पे होते हैं तो जरूरी होता है। ये वाले भी 100 के हैं क्या सारे। 100 वाले 100 रुपये ये ब्लैक वाले और जैसा मेरा और ये स्टाइलिश में अच्छा लग रहा है। लाल अरे चश्मा बहुत जरूरी होता है वरना ब्राइट में तो आंख मेरी खुल गई है बहुत। हाँ रिलैक्स होती है आंखें उससे। 100 रुपये में 100 रुपये में रिलैक्स करो अपनी आंखें। अच्छा हमको सिखा रही है। ये देखो यहाँ पे कपड़े देखने आई है। नहाते वक्त कई बार कपड़ों की जरूरत पड़ती है तो जैसे ये डेढ़ प्लस मेरे पास है ना। मैंने क्या किया था जो ऐसे वाले पैंट्स होते हैं ना ये स्पोर्ट्स वाले पैंट होते हैं जिम वाले वो सारे पैंट्स होते हैं ना उसमें और लेगिंग्स में मेरा यही अंतर है। लेगिंग्स खराब हो जाता है जल्दी ट्रैवलिंग में। ये देखो यहाँ पे बॉयज के लिए 150 रुपये वाला ये सब है तो 100, 140 और 100 वाला भी है। मतलब ये थोड़ा सा लोकल वैसे क्वालिटी के हैं तो यहाँ पे इस तरह का भी मिल जाएगा और बैग भी रख सकते हैं अगर ले लेंगे तो अपना बैग रख के नहा सकते हैं हम। हाँ। तो ये हम सोच रहे थे पर देखते हैं यहाँ पे दूसरी दुकान में भी कुछ मिलता है तो ले लेंगे एक बैग रख देंगे और नहा लेंगे तो इजी हो जाएगा मतलब बढ़िया। शाम तक बीच में नहाएंगे मजा आएगा। शाम तक नहीं अच्छा नहीं मैं तो शाम तक नहाऊंगी भाई। मैं तो बहुत टाइम बाद बीच देख रही हूँ हमारे गांव के बाद अभी यहाँ पे देख रही हूँ बीच बड़ा मजा आ रहा है। मैं तो जाके पानी में बैठ जाऊंगी शाम को जैसे सूरज ढलेगा तब निकलूंगी बाहर। ये देखो पूरी में ये बड़ा फेमस है इसको चाय के साथ। इसको चाय के साथ खाते है ना। चाय के साथ खाते है। ये हमने ओडिशा शुरुआत हुआ था ना तभी हमारे एक जानकार ने कहा था कि ये पूरी में काफी फेमस रहेगा ये जरूर आप देखना। क्या बोलते हैं इसे क्या बोलते इसको क्या बोलते हैं। खाजा 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 इसको खाजा बोलते हैं। किस चीज का बनता है ये क्या चीज होता है। मैदा मैदा और चाशनी में डुबोया हुआ है। ऐसे पैकिंग में आता है ये पैकेट। सनफ्लावर सनफ्लावर तेल में बना हुआ है। सनफ्लावर तेल में ये इसका नाम क्या है। खाजा 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 उड़ीसा का स्पेशल खाजा। उड़ीसा का स्पेशल है। मुझे कहा था कि पूरी का स्पेशल है। पूरी का स्पेशल पूरी का स्पेशल है। उड़ीसा में उड़ीसा में पूरी एक डिस्ट्रिक्ट है इसलिए पूरी में नामकरा खाजा है। अच्छा और ये आपका कितने टाइम तक ये अच्छा रहता है। 15 दिन का बाद खाओगे भी ऐसे लगो। 15 दिन तक ये इसका शेल्फ लाइफ है। तो ये पैक करा के घर भी ले जा सकते हैं। कैसे किलो पड़ता है ये। 150 रुपये किलो। 150 रुपये किलो में
नमस्ते देखो सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर मिल गए समुंदर 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 से नहा के आए तो मिल गए अभी नहाने करके आया अच्छा कहाँ पानी में समुद्र में ओके समुद्र में स्नान करके आए हैं कोलकाता से हो चले चले हमारा रोल लॉज है खाना पीना हो रहा है चले चले हमारा लॉज है खाना पीना खा के सब घूम रहा है चलिए खाने खाने के लिए चले खाना पीना खा के खाना पीना खा के आएगा चलिए सबका साथ बातचीत करो सबका साथ हमारा दीदी है थैंक यू सर आप कहाँ से हो ये खाने के लिए इनवाइट कर रहे हैं ऐसे देख रहे थे यहाँ पे पिक्चर लिया कितना खुश हो रहे कैमरा में आने के लिए खुश हो रहे हैं चलो भाई ये लोग हमें ज़बरदस्ती ले जाके नॉनवेज खिला रहे थे लेकिन हमने वापस आ गए भाई हम ये बोली नॉनवेज देख के वापस आ गई ये लोग वेज वाले हो ना तो वेज वाला संतरा खाओ अब बस यहाँ पे बैठे हैं अब हम उन लोग वो लोग हमें मछली क्या था मछली था वहाँ पे मछली का बिरयानी कोलकाता के थे ना वो लोग मछली का बिरयानी बना था बाकी बहुत अच्छे लोग थे वो उनका उनके यहाँ की चीज़ें बता रहे थे उनके गांव में क्या क्या होता है क्या क्या चीज़ें हैं अच्छा लगा मेरे को हम संतरा ही खाएंगे संतरा खा लेंगे हम वेजिटेरियन का यही है मतलब ये देखो भाई चप्पल जूते सब निकाल दिया है हमने और पहुँच गए हैं बीच पे ये देखो कैसे गुड़िया खेल रही है हेलो हाय चलो ये देखो सुंदर माहौल बहुत सारे लोग आ रखे हैं बीच तो साफ सुथरा ही है पर क्राउड वैसा नहीं है गोवा गोवा वाला हमें नंगे पैर उतारा था ना हमने पहले जूते उतारे फिर चप्पल पहनी तो चप्पल भी यहाँ पे अब जरूरत नहीं है अब बिना चप्पल और जूते के देखो हाथ में लेके चल रहे हैं 2 किलोमीटर है यहाँ से जहाँ पे हमें जाना है वहाँ पर बैग वैग रखेंगे फिर आराम से घूमेंगे फिर मज़े से यहाँ पे अच्छा लग रहा है ठंडी हवा है वहाँ पे गर्मी लग रही है हिलो मत आपकी चेस्ट दिखाई दे रही है चेस्ट हिल रही है ये देखो कैसे मरमेड मरमेड बनाया देखो पूंछ भी बनाई है यहाँ पे पूंछ बनाई है मरमेड की पूंछ बनाई है क्या बना रहा है बाबू क्या बना रहा है क्या है ये हाँ मंदिर वाह 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 मंदिर बना रहा है बाबू बोला मंदिर बना रहा है ये देखो क्या लोग बड़े खुश होते हैं ऐसी जगहों पे आके घर पे तो सब टेंशन हुबली 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 ये देखो सीढ़ी से चढ़ते उतरते हैं यहाँ पे बच्चों तो क्या अभी फोटो वोटो खींच के 50 रुपए की राइड कितने रुपए की बोले वो कितने की राइड है भाई ये 100 रुपए की 100 रुपए की पर हेड राइड है इससे ऊपर चढ़ाते हैं यहाँ पे ये देखो बीच पे भी काफ़ी प्रीमियम होटल्स हैं पीछे जो लॉज टाइप के जो सस्ते सस्ते नहीं होते वो थे और यहाँ पे देखो काफ़ी प्रीमियम है थोड़ा आगे अगर आए तो हम इसमें रुकने वाले हैं गोल्डन डस्ट रॉयल इस वाले होटल पे आए हैं हम और हो गया हमारा यहाँ पे जुगाड़ विदाउट मनी पहुँच गए बस एंट्री रिजॉर्ट हाँ बीच पे है सीधा बीच पे ही है ये एकदम ऑन द बीच ही है सारे होटल और जो लॉज टाइप के हैं ना वो थोड़े पीछे वाली लेन में है इसी के पीछे तो इस तरह का है वो ये देखो होटल पे एंट्री हो रही है हमारी जाते हैं रिसेप्शन पे बात करते हैं हमारा जुगाड़ यहाँ पे हो गया है विदाउट मनी ये देखो पनीर 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 अपनी भाषा में बोलते हैं ये देखो हम रूम में पहुँच गए ये हमारा रूम है बढ़िया रूम बढ़िया मिला और सी साइड पे एकदम सामने ही होटल है वो है क्या सी बीच है सामने ही यहाँ से देखे तो कदम रखते ही वो मरीन ड्राइव वाली रूम अच्छा लग रहा है सी फेसिंग रूम है यार ये देखो ना डायरेक्ट सीधा समंदर देखो अभी जा रहे हैं हम खाना खा के चलते हैं अभी अभी चलेंगे ना यार खाना बाद में करते हैं हाँ चलो चलो नहीं नहीं मेरे को खाना है भूख लग रही है मुझे तो यार चलो चलो खाना खा लेते हैं और निकलते हैं ये देखो भाई शाम का समय हो गया ये वाला हमारा होटल है बाकी ये भी 2 होटल हैं अब ये हमारे लिए पैंट लेके आए हैं हेलो हेलो मैं इनको ये दे देता हूँ फिर वो पहन के आएंगे बाहर हम समुंदर में नहा रहे थे ना तो उनका वो पैंट वैंट सब गीला हो गया तो इनसे मंगाया थोड़ी देर के लिए बोरो करने के लिए बस लाता हूँ उनको मैं लेके आता हूँ
बोरा करने के लिए यहाँ से एक लोकल से हमने मंगाया है। इतना बड़ा कनेक्शन तो मतलब है अपना यार, आप लोग बड़ी हेल्प कर देते हो हर जगह पे उसको पेंट ऐसा तो कभी नहीं हमने वो देखा भाई। ये अच्छा है यार, ये देखो ये हमारा होटल है। शाम हो गई है, अब जाएंगे चाय वाय पियेंगे कहीं।